लोकसभा चुनावों के नतीजे 4 जून को आने हैं, लेकिन उससे पहले ही आखिर बीजेपी का एक नेता कैसे जीत जाता है, और वो भी बिना एक वोट के। जी हाँ, वो भी बिना एक वोट के, जो कि कई सवालों को जन्म दे रहा है, जिसका जवाब आज हम आपको देंगे कि आखिर ये कैसे हुआ। सवाल ये भी कि अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम में मतदाताओं के लिए नोटा का विकल्प है तो कोई नेता निर्विरोध कैसे जीत सकता है, और अगर कोई नेता निर्विरोध जीतता है तो उसकी कानूनी मान्यता आखिर कितनी है, यानी कानून आखिर क्या कहता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, आप देख रहे हैं शेष भारत। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने पहली जीत दर्ज की है। गुजरात में सूरत में पार्टी के उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध जीत गए हैं। दरअसल नामांकन पत्र वापसी के अंतिम दिन सभी 8 प्रत्याशियों ने अपनी उम्मीदवारी पीछे खींच ली। इसके बाद बीजेपी कैंडिडेट मुकेश दलाल निर्विरोध जीत गए। मुकेश दलाल को बीजेपी के प्रदेश प्रमुख सीआर पाटिल का करीबी माना जाता है। दरअसल सूरत के इतिहास में निर्विरोध जीतने वाले दलाल पहले सांसद बने हैं, लेकिन क्या कानूनी रूप से ये सही है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2013 में एक फैसला दिया था, जिसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में नोटा का इस्तेमाल शुरू किया गया। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह निर्देश दिया था कि वो बैलेट पेपर्स या ईवीएम में नोटा का प्रावधान करे, ताकि वोटर को किसी को भी वोट नहीं करने का हक मिल सके। इसके बाद आयोग ने ईवीएम में नोटा का बटन आखिरी विकल्प के रूप में रखा। दरअसल रूल 90-0 के नियम के मुताबिक किसी वोटर को यह हक है कि वह वोट नहीं कर सकता है, यानी उसकी मर्जी है कि वोट वो नहीं डाले, इसलिए नोटा का इस्तेमाल कर सकता है। नोटा से पहले कोई वोटर अगर किसी प्रत्याशी को वोट नहीं देना चाहता था तो उसे फॉर्म 490 भरना पड़ता था। हालांकि पोलिंग स्टेशन पर ऐसे फॉर्म भरना उस वोटर के लिए खतरा भी हो सकता था। ये कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 का उल्लंघन भी था। इससे वोटर की गोपनीयता भंग होती थी, जिसके बाद ईवीएम में नोटा को जोड़ दिया गया। फिलहाल तकनीकी रूप से देखा जाए तो किसी भी प्रत्याशी को निर्विरोध जीत ठहराना सही नहीं है, क्योंकि ईवीएम मशीन में नोटा का विकल्प होता है। हालांकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा कर पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि किसी ना किसी को जीत का सेहरा तो पहनाना ही होगा। वैसे भी नोटा सभी वोटर्स का प्रतिनिधित्व नहीं करता, ये कुछ ही लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। अगर वोटिंग कराई जाए और एक वोट भी प्रत्याशी के समर्थन में पड़ा तो उसे जीता हुआ माना जाएगा। वैसे ही लोकतंत्र में नोटा को उम्मीदवार नहीं माना जा सकता। जो भी प्रत्याशी निर्विरोध जीतता है उसकी जीत कानूनी रूप से सही मानी जाएगी। अब ऐसा क्यों है वो भी हम आपको बताते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जुलाई 2020 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा था कि नोटा का विकल्प वहां लागू नहीं हो सकता जहां चुनाव में बस एक ही उम्मीदवार हो। ऐसे प्रत्याशी की निर्विरोध जीत होगी। जहां चुनाव में कई उम्मीदवार होंगे वहां नोटा का नियम लागू होगा। दरअसल हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि जहां एक प्रत्याशी हो वहां भी नोटा का विकल्प होना चाहिए। तब हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस बी कृष्णमोहन की पीठ ने कहा कि इस तरह का प्रावधान लागू नहीं किया जा सकता है। अगर कोई भी इस तरीके का बदलाव चाहता है तो आप चुनाव आयोग, केंद्र और राज्य सरकार के पास जा सकते हैं। खैर, ये तो बात हुई कोर्ट की, अब बात करते हैं संविधान की, केस पर हमारे देश का संविधान आखिर क्या कहता है। दरअसल हमारे संविधान के अनुच्छेद 84(a) के मुताबिक जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है उसे चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं है। लोकसभा विधानसभा चुनाव में बतौर प्रत्याशी उतरने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष तय की गई है। 25 साल से कम उम्र होने पर कोई चुनाव नहीं लड़ सकता है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 4(d) के मुताबिक जिस व्यक्ति का नाम संसदीय क्षेत्र की मतदाता सूची में नहीं है वह चुनाव नहीं लड़ सकता। साथ ही वे व्यक्ति जिसे किसी मामले में 2 साल या उससे अधिक की सजा हुई है वे भी चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो ये तो हमने आपको संविधान की बात बताई। अब बात करते हैं नामांकन प्रक्रिया की, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए किसी भी उम्मीदवार को नामांकन पत्र भरना होता है। उसके प्रस्तावक नामांकन पत्र भरने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर या चुनाव की अधिसूचना में सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को सौंप सकते हैं। किसी भी उम्मीदवार को अपना नामांकन पत्र निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि से पहले या उससे पहले पहुंचाना जरूरी है। साथ ही अगर प्रत्याशी ने सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा नहीं किया तो उसका नामांकन रद्द हो सकता है।
नामांकन पत्र पर प्रत्याशी के अपने असली दस्तखत होने चाहिए। अगर ये साबित हो गया कि प्रत्याशी के बदले किसी और नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर किए तो वह नामांकन खारिज हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रत्याशी का नाम मतदाता सूची में जरूरी होना चाहिए। इसके अलावा नामांकन पत्र में प्रत्याशी ने खुद से जुड़ी कोई जानकारी छिपाई या गलत जानकारी दी तो उसका नामांकन रद्द हो सकता है। इसलिए उम्मीदवार को नामांकन पत्र दाखिल करते समय अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। इसके साथ ही रिटर्निंग अधिकारी को नामांकन प्रस्तुत करते समय उसी समय प्रारंभिक जांच करनी चाहिए। अगर पहली नजर में उसे कोई गलती दिखाई देती है तो उसे उम्मीदवार के ध्यान में लाना चाहिए। नामांकन पत्र में गलतियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रिटर्निंग ऑफिसर को ऐसी गलतियों को उम्मीदवार के ध्यान में लाना चाहिए, क्योंकि अगर गलती होती है तो नामांकन रद्द हो सकता है। फिलहाल सूरज जैसी स्थिति से बचने के लिए विपक्ष को काफी तैयारी करनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं की। ऐसे में विपक्ष को डमी कैंडिडेट भी खड़ा करना चाहिए था, अपने उम्मीदवार को कवर देना चाहिए था, जैसे अजीत पवार ने अपनी पत्नी के पक्ष में किया था, क्योंकि नामांकन किसी भी वजह से रद्द हो सकता है। हालांकि सूरत में चुनाव आयोग को यह देखना चाहिए था कि जहां इतने सारे उम्मीदवार नामांकन वापस ले रहे हों वहां अपने स्तर से जांच शुरू करानी चाहिए। फिलहाल इस मामले में जांच होगी या नहीं ये तो आगे आने वाला वक्त ही बता पाएगा, लेकिन बीजेपी लोकसभा चुनावों के नतीजों से पहले ही एक सीट जीत चुकी है, जिससे बीजेपी गदगद है और विपक्ष नाराज। लेकिन हमारे देश में संविधान और कानून है, जिसके मुताबिक ही सारी चीजें होती हैं, और यहां भी उसी के मुताबिक ये हुआ, यानी बीजेपी ने पहली जीत दर्ज की। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए शेष भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।